sight. Greatness can take its toll. I know we will find our green light. Keep your eyes on the road. सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल क्रिएटोरियन। तो आज मैं यहाँ पे एक यूट्यूब की गेमिंग चैनल बैनर को क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसके लिए पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करके इमेज साइज ऑप्शन पे जाके इमेज की जो साइज है उसको आप 2560x423 पे कन्वर्ट कर लो। इमेज को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी करके एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने गैलरी में से एक इमेज या फिर बैकग्राउंड को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना। तो इमेज को सेट करने के बाद प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेम इमेज या फिर बैकग्राउंड को स्क्वायर शेप पे क्रॉप करके इंपोर्ट कर लेना होगा। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना होगा रोटेट ऑप्शन पे। तो रोटेट ऑप्शन पे जाके इस इमेज को आप 45 डिग्री पे रोटेट कर लेना। अब इस इमेज की शेडो को इनेबल करके इसकी ब्लर रेडियस को आप फुल कर देना। इसके बाद इस इमेज की स्ट्रोक को इनेबल करके इस इमेज को आप बैनर की एकदम लेफ्ट साइड में प्लेस कर देना। इसके बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज की एक कॉपी को आपको यहाँ पे लेना होगा एंड इसको भी बैनर की एकदम लेफ्ट साइड पे प्लेस करना होगा। फिर से कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज की एक कॉपी को मैं यहाँ पे ले लूंगा एंड यहाँ पे जो इसकी जो कलर ऑप्शन है उसको इनेबल करके व्हाइट कलर को आपको सिलेक्ट करना होगा एंड व्हाइट कलर की जो ऑपेसिटी है उसको आप 80 पर सेट कर देना। सेम तरीके से और एक कॉपी को आपको यहाँ पे लेना होगा एंड उसको भी बैनर की एकदम लेफ्ट साइड के ऊपर प्लेस करना होगा। अब लेयर ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ जो लेयर है उसको ड्रैग करके नीचे लाना होगा। इसके बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं एक चैनल की नेम को टाइप कर लूंगा। तो आप यहाँ पे कोई भी चैनल की नेम या फिर अपनी चैनल की नेम को टाइप कर सकते हो। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं बाइसन बोल्ड जो फॉन्ट स्टाइल है उसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड साइज ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट की जो साइज है उसको आप इंक्रीज कर देना। इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे स्पेसिंग की जो स्केल है उसको 17 पर सेट करना होगा। इसके बाद टेक्स्ट को बैनर की एकदम मिडिल पोजीशन पे प्लेस करके टेक्स्ट शैडो को इनेबल करना होगा एंड यहाँ पे जो ब्लर रेडियस है उसको आप फुल कर देना। अब यहाँ पे मैं और एक टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझको डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है। तो वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉलो मी हियर की जो टेक्स्ट है उसको टाइप करके सोशल मीडिया लोगोस के ऊपर प्लेस कर दूंगा। इसके बाद इस इमेज को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो क्वालिटी है उसको आप अल्ट्रा कर देना एंड सेव टू गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को आप सेव कर लेना। तो इमेज को सेव करने के बाद पिक्सेल लैब की एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करके इमेज साइज ऑप्शन पे जाके इमेज की जो साइज है उसको 2560x1440 पे कन्वर्ट करना होगा। अब बैकग्राउंड की जो कलर है उसको चेंज करके ब्लैक करना होगा। तो इसके बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करके मैं अपने गैलरी में से एक इमेज या फिर बैकग्राउंड को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगा। इमेज को इम्पोर्ट करने के बाद इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है उसको 100% करना होगा। इसके बाद जिस बैनर को हमने अभी अभी यहाँ पे सेव किया है उस बैनर को इंपोर्ट करके उसकी जो विड्थ है उसको आप 100% कर देना। अब इस बैनर को फ्रेम की एकदम मिडिल पोजीशन पे प्लेस करना होगा एंड इसकी जो शैडो है उसको इनेबल करके ब्लर रेडियस को आप फुल कर देना। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझको कमेंट करके जरूर से बताना कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करके इस फाइनल बैनर को आप सेव कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए दिस इज शुभदीप पाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।